हेलो फ्रेंड्स, अब हम एग्जांपल नंबर 12 सॉल्व करेंगे, जो है कि एक ऐसे आयताकार पारक को बनाना है जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो। अब अगर हम इसकी जो चौड़ाई है, अब मान लीजिए जो इसकी चौड़ाई है वो x मीटर है, तब जो उसकी लंबाई होगी, जो उसकी लंबाई होगी वो होगी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक, क्योंकि ये दिया है एक ऐसे आयताकार पारक को बनाना है जिसकी चौड़ाई है मतलब एक्स है, लंबाई से 3 मीटर कम है। अगर चौड़ाई लंबाई से 3 मीटर कम होगी तो इसका मीनिंग ये होगा कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 3 मीटर अधिक होगी। अब सेकंड कंडीशन है, इसका क्षेत्रफल, जो ये आयताकार है इसका क्षेत्रफल है जो पहले से निर्मित, अब इसका जो क्षेत्रफल होगा, जो इसका क्षेत्रफल होगा वो होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, और जो लंबाई है वो एक्स प्लस 3 है और जो चौड़ाई है वो एक्स है, तो जो इसका क्षेत्रफल होगा वो होगा एक्स की गुणा एक्स के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसी प्रकार प्लस एक्स की गुणा 3 के साथ करेंगे 3x, मींस जो आयताकार का क्षेत्रफल है वो एक्स के प्लस 3x होगा। अब इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है पारक, जिसका आधार, जो इसका आधार है पारक की चौड़ाई के बराबर है और इसकी जो ऊंचाई है वो 12 मीटर है से 4 मीटर अधिक है, मींस जो इसका क्षेत्रफल है, जो इसका क्षेत्रफल है आयत का, मींस आयत का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल और प्लस 3 प्लस 4 क्योंकि ये 4 वर्ग मीटर अधिक का। अब जो आयत का क्षेत्रफल है वो एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो होता है शीर्ष लंब, जो होता है शीर्ष लंब इनटू आधार और ओवर टू, और जो इसका शीर्ष लंब है मीन जो इसकी हाइट है वो 12 है इनटू जो इसका आधार है वो एक्चुअली में इस आयताकार पारक का चौड़ाई है मींस एक्स है ओवर टू और प्लस 4। अब 2 × 2 = 12 मींस ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x और बराबर होगा ये होगा 6x प्लस 4। अब ये इस साइड आकर दोनों ही माइनस के होंगे, मींस एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 6x माइनस 4 बराबर बचेगा 0, या फिर एक्स के प्लस 3x माइनस 6x ये बचेगा माइनस 3x ये होगा माइनस 3x और माइनस 4 बराबर होगा 0। अब हम सबसे पहले p निकाल लेंगे इस इक्वेशन से, जो p होगा वो होगा रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और जो b है वो एक्चुअली में माइनस 3 है और जो माइनस 3 का स्क्वायर होगा वो 9 होगा, इस प्रकार माइनस 4 इंटू जो ए है वो 1 है तो 1 इंटू जो सी है वो नेगेटिव का 4 है मींस ये नेगेटिव का 4 और जो इसका ऊपर का रूट है। अब माइनस से माइनस कैंसिल होगा, ये होगा 9 ये होगा प्लस और 4 × 4 और 4 × 16 मींस ये 16 ऊपर का रूट और 9 और 16 ये 25 होगा 25 और जो रूट 25 है वो 5 के बराबर होता है जो इसका पी है। अब हमने जो ज्ञात करना है वो एक्स का मान ज्ञात करना है और जो x का मान है और जो हमारा x का मान है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस बी ओवर 2 और माइनस और जो b है वो माइनस का 3 है तो माइनस माइनस प्लस 3 और प्लस माइनस जो p है वो 5 है ओवर 2 इंटू a का मान है 1 है। अब इसका मीनिंग आया तो 3 का प्लस और प्लस का 5 ओवर 2 होगा या फिर प्लस का 3 और माइनस का 5 ओवर 2 होगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव का मीनिंग ये है, लेकिन हम जो ये टर्म है वो नेगेटिव है तो इस टर्म को हम नहीं लेंगे, सिर्फ इसको ही लेंगे, मीन जो x बराबर होगा 3 प्लस 5 और x बराबर जो 3 प्लस 5 है वो 8 होगा और 8 ओवर 2 है जो वो 4 के बराबर होगा, मीन जो चौड़ाई है वो 4 मीटर है और जो लंबाई होगी वो होगी x प्लस 3 मीन्स 4 प्लस 3
या फिर सेंटीमीटर। और इस प्रकार हमारा जो